पाकिस्तान अफेयर्स में, कि पाकिस्तान अफेयर में हम किस तरह इंट्रोडक्शन लिखते हैं, हेडिंग्स कैसे होंगी और पेपर प्रेजेंटेशन की बाकी चीजें। क्वेश्चंस पे अगर हम डिस्कस करें तो क्वेश्चन बहुत इजी थे जो मैंने आपको पाकिस्तान अफेयर्स के दिए हैं, और आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसी चीज थी जो स्लाइड्स में मेंशन नहीं थी। हेडिंग्स भी सारी उसमें से आप निकाल सकते थे, मटेरियल भी सारा गिवन था, और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आउट ऑफ द बॉक्स आया हो, तो इजी था रिलेटिवली। ठीक है, लेकिन कल वाला इजी नहीं होगा, आपने अपने माइंड में रखना है। अब हम सबसे पहले देख लें कि कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे आपको साथ शेयर करूंगा, जो कुछ स्टूडेंट्स के पेपर्स, उनमें उनकी क्या अच्छी चीजें जो मुझे लगी हैं। अगेन दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मिलेंगे, लेकिन वी हैव टू स्टिक विद वन पॉइंट ऑफ व्यू, और आपने अपनी पॉजिटिव चीजों को अपने साथ रखना है, और जो आपकी कुछ वीकनेसेस हैं आपने उनको डे बाय डे इम्प्रूव करना है, और दूसरों की पॉजिटिव चीजों से आपने लर्न करना है। तो ये बेसिक जो है वो हमारी एक कह लें कि एक पॉजिटिव चीज है हम एज अ ह्यूमन बीइंग, के हम दूसरों की अच्छी चीजों को भी काफी जल्दी अडोप्ट करते हैं, नेगेटिव चीजों को भी करते हैं, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। हमने सिर्फ पॉजिटिव चीजों को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करना है और उनसे लर्न करना है। तो उसी लिए मैंने कुछ पेपर्स जिसके ऊपर मैंने लिखा हुआ टू बी डिस्कस्ड इन क्लास, वो यहाँ पे कुछ ओपन किए हैं। अगर आप यहाँ पे देखें पेपर, तो मुझे ये पेपर इंट्रोडक्शन की वजह से जो है वो पसंद आया था। अब अगर मैं पाकिस्तान अफेयर के इंट्रोडक्शन की बात करूं, कुछ स्टूडेंट्स इन्होंने करंट अफेयर के सेशन में भी हैं, तो करंट अफेयर का इंट्रोडक्शन और पाकिस्तान के इंट्रोडक्शन में सिर्फ एक फर्क है, और वो फर्क ये है कि पाकिस्तान अफेयर थोड़ा सा हिस्टोरिकल बेस होता है, उसमें आप हिस्ट्री की चीजों को ऐड कर सकते हैं रेलिवेंसी क्रिएट करने के लिए। लेकिन करंट अफेयर में आपने सिंपल टू द पॉइंट बात करनी है, आपने सिंपल करंट इवेंट्स के ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है। पाकिस्तान अफेयर में यू हैव योर होल हिस्ट्री, यू कैन गो टू द हिस्ट्री एंड देन यू कैन एनालाइज इट। ठीक है, जिस तरह पहली बात की गई पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट वन, पाकिस्तान इज लोकेटेड इन साउथ एशिया, पाकिस्तान शेयरिंग बॉर्डर विद कंट्रीज दिस दिस दिस, तो इट वॉज गुड। ठीक है, लेकिन अब ये मैप आप देख लें, आई डू नॉट लाइक दिस। हाउ मेनी टाइम्स आई डोंट आई एम अनेबल टू रिकॉल कि मैंने कितनी दफा आपको मेंशन किया हुआ कि भाई मैप बनाना सीख लें, मैप बनाना सीख लें। हर क्लास में ये कहता हूँ आपसे कि मैप बनाना आना चाहिए, और आई एम लाइक रियली शॉक्ड टू सी कि आपको अभी तक मैप ही नहीं बनाने हैं। तो क्या आपकी सीरियसनेस पे क्वेश्चन है कि आप किस तरह सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं जब एक आपसे चीज कही गई है मैप की और वही अभी तक सही बनाना नहीं आया। ठीक है, तो इसमें ये क्रिटिसाइज भी मैंने चीजों पर किया। अब सिग्निफिकेंस पाकिस्तान की लोकेशन पे इन्होंने अच्छे पॉइंट्स उसमें ऐड किए हैं। ठीक है, अगेन ये सारी वही हैं स्लाइड्स की चीजें, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, बट द वे ही हैज रिटन इट इट इज गुड, आई लाइक इट। ठीक है, हेडिंग्स आपको प्रोमिनेंट नजर आ रही है, मार्किंग की हुई है, तो इट इज मेकिंग सेंस के भाई चीजें क्या है, चीजें हेडिंग को अंडरलाइन किया हुआ ये पेपर में। अच्छा, इसके अलावा अगर ये वाला पेपर ये वाला डिस्कस करूं, नो रेफरेंसेस। अब इसमें ये मैंने पेपर इस वजह से मार्क किया है कि इसमें वो मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट कमिट करते हैं। अब यहाँ से इसने स्टार्ट किया जी 2010 में पास हुई है, और उसके बाद हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस जब आप बता रहे हैं, क्वेश्चन क्या था, एसेस हाउ 18th अमेंडमेंट एड्रेस द हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस, यानी एक पार्ट इसके अंदर आ गया हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस, तो आपको पहले बताना चाहिए कि हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस क्या हैं, और पहले पावर शेयरिंग कंसर्न्स यानी पहले पावर शेयरिंग फॉर्मूला कैसा था प्री 18th अमेंडमेंट, तो ये बहुत जरूरी है इसके ऊपर बताना। अब इन्होंने इसको बताया है हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस को पैराग्राफ्स के फॉर्म में, और इसके ऊपर उन्होंने तकरीबन 1.5 पेज का पैराग्राफ लिख दिया पूरा। अब उन्होंने पहले भी पैराग्राफ लिखा हुआ था, तो अगेन वी डोंट नीड पैराग्राफ, यू डोंट वॉन्ट योर एग्जामिनर के वो एक ही पेपर वो पूरा चेक करे, देर इज नो हाईलाइटिंग, देर इज नो यूज ऑफ मार्कर, तो आई एम अनेबल, आई विल रीड इट एंड देन इट विल टेक हाउ मच टाइम। लाइक अगर मैं एग्जामिनर तरह सोचूं, दे डोंट हैव योर फुल डे के वो आपका पूरा पेपर रीड बाय रीड करेंगे, वर्ड बाय वर्ड रीड करेंगे, और उसके बाद आपको असेस करेंगे। यू हैव टू गिव, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए ना। आप इस तरह एग्जाम्पल लेने, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जितना मर्जी टेस्ट अच्छा हो वो तो बाद में आप खा के पता लगता ना, जब पहले वो चीज आपको प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं कराची जाऊंगा, वहां जाके मोल्टन लावा खिलाऊंगा, अगर किसी ने मुझे वहां पे
इनवाइट करना तो इनवाइट कर सकता है, नो इश्यूज। लेकिन जब वो सर्व किया जाता है तो आप देखते हैं कि भाई ये एक सर्विंग से अच्छा है, एक आपका माइंड पहले ही एक जो है ना पिक्चर क्रिएट कर लेता है। अब इसी तरह दे आर इन कॉम्पिटिशन, दे डू दीज थिंग्स टू प्रमोट देमसेल्फ, इसी तरह वी आर ऑल्सो इन कॉम्पिटिशन इन सी एस एस, मेक थिंग्स कन्वीनियंट फॉर योर एग्जामिनर। आपका हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस मैंने यहाँ लिखा है, एड पॉइंट्स, पॉइंट के फॉर्म में लिख दे तीन चार, भाई वो मेन क्वेश्चन ही नहीं है, क्यों पैराग्राफ लिख रहे हैं, क्यों अपनी एफर्ट जाया कर रहे हैं, ठीक है। तो कंटेंट तो ठीक होगा लेकिन पॉइंट्स ऐड करने चाहिए थे आपको यहाँ पे। अब चैलेंजेस ऑफ 18th अमेंडमेंट, जब यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल चैलेंज, अब मैंने जब यहाँ पे पढ़ा तो मुझे रेलिवेंट प्रोविजन तो बताया ना कि 18th अमेंडमेंट से फाइनेंशियल चैलेंजेस किस तरह रिजोल्व हुए हैं। एनएफसी अवार्ड आया, ठीक है, उससे पहले उसमें जो पाई उसकी शेयर चेंज किया गया वो कहाँ पे मेंशन है। ये हेडिंग तो हमें याद कर ली है स्लाइड से, लेकिन आपको स्टैट्स याद करने चाहिए थे। इट इज ऑब्जेक्टिव 18th अमेंडमेंट है पूरी, पूरे उसने आर्टिकल्स को चेंज किया, कहाँ पे लिखे हमने आर्टिकल, उसमें आपने आर्टिकल नहीं बताया। इसमें बताया इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज, एग्जाम्पल नहीं, कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज आपको नजर आ रहा है। खाम ख्याली बातें करने से कोई फायदा नहीं होगा। पॉलिटिकल चैलेंज क्या थे, पॉलिटिकल चैलेंज यहाँ पे जैसे मैंने लिखा गिव एग्जाम्पल, तो सारी चीज आप इसको हम कहते हैं होलो पैराग्राफ, कि पैराग्राफ के अंदर कुछ ना हो, इधर उधर की बातें की हो और मेन कॉन्क्रीट आइडिया ना लिखा हो, सिर्फ इन ऑर्डर टू फिल योर होल पेज, तो इससे आपको फिर नंबर नहीं मिलेंगे। एग्जामिनर देखेगा, कोई पैराग्राफ देखेगा, अगर उसमें उसको नहीं नजर आएगा तो वो एक सेंस बना लेगा, भाई इसने तो सिर्फ पेजेस को जाया किया हुआ है, कंज्यूम किया हुआ है, कोई कॉन्क्रीट इसके अंदर बात अवेलेबल नहीं है। तो ये वो मिस्टेक है जो आपने अवॉइड करनी है, ठीक है। तो इस पेपर को मैंने इस वजह से डिस्कस करना था। नाउ मेरा किसी से वो नहीं है कि जी मैं आपके पेपर ही क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, जिसका भी पेपर जो आ गया ना, जो हाथे चढ़ गया उसकी बारी आ जाती है, ऐसे ही होता है। अब इसमें देखेंगे जियोग्राफिकल पोजीशन ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे बता दी इन्होंने पाकिस्तान इज अ कंट्री विद टोटल एरिया। अब आई डोंट लाइक पाकिस्तान का एरिया यहाँ पे बताया, थोड़ा सा कोई स्टीफन पी कोहन की आप कोटेशन से स्टार्ट करें ना, आपको दी हुई है कोटेशन वो तो याद कर लें जियोग्राफिकल लोकेशन पे, इतना इजी क्वेश्चन है, कभी भी पूछ लिया तो आपके फ्री मार्क्स नहीं, तो वो कोटेशन ही नहीं याद करते। ऐसे के अंदर भी कोटेशन यूज हो जाती है, तो वो क्यों नहीं याद किया आपने कोटेशन अभी तक। फिर जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन पाकिस्तान की इन्होंने बताई। अब उसके बाद पाकिस्तान इन 1947 आ गया। अब रिड्यूस, पता नहीं क्या लिखा मैंने, अच्छा लॉन्ग पैराग्राफ, हाँ टू पॉइंट्स। अब यहाँ पे जो लॉन्ग पैराग्राफ आपने लिखे हैं, अगेन लेंथी लेंथी, ये इतने ज्यादा लेंथी गिठन अपना आपके, तो इसको पॉइंट्स बनाएं, सब हेडिंग थोड़ी दें और उसमें फिर कॉन्क्रीट चीजें लिखें, थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाएं चीजों को। आई एम 100% श्योर कि आपका कंटेंट अच्छा है, आपने याद की हुई है, बट आप जब नहीं बता सकेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा हमें आपके याद करने का, आपकी चीजों को समझने का, ठीक है। यहाँ पे मुझे मैप नहीं नजर आया, पिछले पेपर में भी कोई मैप सही नजर नहीं आया, तो क्या फायदा, जब पाकिस्तान का आपके पास अपॉर्चुनिटी थी जियोग्राफिकल लोकेशन बताने की तो मैप से आप एक्सप्लेन करते, आप उसकी जगह पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो यू आर लूजिंग योर मार्क्स है, ठीक है। इसी तरह ऐड सब पॉइंट्स मैंने यहाँ पे चीजें ऐड की हुई है, मैंने सारा पेपर इसको डील किया। अब देखें जी यहाँ पे मैप बड़ा अच्छा आ गया, लेकिन ये क्या शो कर रहा है, शो ही कुछ नहीं कर रहा। सी पैक रूट उन्होंने बता दिया जी ये सी पैक रूट है, तो उसमें बताएं ना कि पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है, कुछ एरो शो करें, बताएं जी कि यहाँ से जो है वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ठीक है, यहाँ पे लिखें ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये इधर इसको ये एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ पे लिखें ये सी पैक है, ठीक है, कि कनेक्टिविटी हब, यहाँ पे लिख देना कि हाउ पाकिस्तान इज अ कनेक्टिविटी हब, तो यहाँ पे आप हेडिंग दे कनेक्टिविटी हब, तो पता तो लगे मैप शो क्या कर रहा है, खाली मैप बता देने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे, तो ये चीज आपने इसमें से देखनी थी, यही चीजें आपको आगे भी नजर आएंगे। यहाँ पे इन्होंने मैप बनाया पूरा उसका। अब व्हाट डज द मैप इंडिकेट, ये क्या शो कर रहा है हमें, मतलब क्या फायदा है इसको दिखाने का मुझे, कि अब ये मैप किस लिए था, वर्ल्ड मैप वन, अब ऊपर कहीं पे रेफरेंस दिया होगा फिगर का, अब ये क्या बता रहा है, मतलब मुझे देख के पता लगना चाहिए ना, आपको किसी को देख के पता लग रहा है कि मैप क्या है, आप सबने मैप देखा हुआ है, कोई मुझे बता सकता है कि मैप क्या इंडिकेट कर रहा है, एनीवन। नो वन, कोई नहीं बता सकता। तो यही पर्पस है कि जब आप लोगों को जब टॉपिक का भी पता है कि क्वेश्चन भी यही है, आपने मैप भी याद किए हुए हैं, तो अभी भी आप में से कोई ऐसा नहीं है जो इस मैप को एक्सप्लेन कर रहा हो कि ये क्या बता रहा है, तो सोचें एग्जामिनर क्या इतना बोदर करेगा,
आप लोगों के लिए कि वो देखें आज के अंदर शायद ये स्टूडेंट ये मुझे बता रहा है, खाली मैप इसलिए लिखना कि वो पेपर में अच्छा लगेगा कोई फायदा नहीं होगा। अब हम चीजों से आगे निकल आए, हम एग्जाम सीएसएस की बात कर रहे हैं, एफएससी लेवल की या बैचलर लेवल के एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं एक रेस में लगे होते हैं, और आपने अगर आपका गोल एलोकेशन लेना अच्छे नंबर लेना तो हर पेपर अच्छा होता है, मतलब इम्पोर्टेंट है, हर चीज इम्पोर्टेंट है, हर चीज को वैल्यू दें। उसके बाद रेफरेंसेस अगेन मिसिंग है, की हिस्टोरिकल इवेंट्स सिंस 1947 क्या क्वेश्चन था जी, क्वेश्चन था ये भी 18th अमेंडमेंट पे है। अब इंडिपेंडेंस, अब ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है इस सिंपल इसको टेबलेट फॉर्म में लिखते हैं, उन्होंने 3 पेज जाया कर दिए हैं और इस पर क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ राइटिंग दीज थिंग्स। ठीक है, अब यू कैन ऐड सिंपली इन अ चार्ट, क्या आप ये चार्ट ऐड कर लेते तो आपको सारा कुछ समझ आ जाता। अब यहाँ पे मिस्टेक की गई है, व्हाट हैज इंश्योर्ड इन द, अब व्हाट हैज इंश्योर्ड तो नहीं होगा ना, व्हाट वाज इंश्योर्ड, और 18th अमेंडमेंट हो गई है, हुई नहीं है, प्रेजेंट की बात नहीं है, ये 2010 की बात है। तो ये हेडिंग के अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आप करेंगे तो अल्लाह ही हाफिज होगा फिर हमारा। ठीक है, फिर इसी तरह ये भी अच्छा पेपर था, इसके ऊपर ए लिखा है, प्लस नहीं है, फिर भी कुछ मिस्टेक्स होंगी। अब यहाँ पे इट इज गुड कि आपने स्टार्ट किया, लेकिन ये राजा परवेज अशरफ ना लिखें, इसके ऊपर लिखें कि ये था कौन सा। जैसे कोई ऑथर होता है जिसने बुक लिखी होती है, हम ऑथर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं ऑथर ऑफ दिस बुक, खाली उसके नाम सिग्निफाई नहीं करता, अनटिल अनलेस वो बड़ा ही प्रोमिनेंट लीडर ना हो, जैसे कायदे आजम हो गए या यूएन का कोफी अनान या इस तरह के जो लोग हैं। अगर कोई कम लोग हैं जिसका नहीं पता, उसको लिखें भाई ये वाला बंदा है, ठीक है, जिसने ये स्टेटमेंट दी है साथ उसके नीचे लाइन में। अब इसमें ये अच्छा इंट्रोडक्शन था। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा कि जी फैक्टर्स दैट एड्रेस द हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेज। अब पहले उससे ये भी बताया ना, उसने क्वेश्चन पूछा है हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेज थोड़ा सा एक टेबल में दे दें कि जी प्रोविंशियल इश्यूज थे, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर थी, कंकरेंट लिस्ट थी, ठीक है, इस तरह की चीजें आप उसमें बताएंगे तो आपको फायदा होगा शुरू में। उसके बाद आगे चलें तो जस्ट अ सेकंड, अच्छा जी इसके बाद आगे चलें तो आपको देखेंगे अब यहाँ पे उन्होंने जो है वो जब ये लिखी हैं चीजें क्या लिखा है जी, इम्पैक्ट इंटर प्रोविंशियल एंड सेंट्रल प्रोविंशियल रिलेशन ने 1.1 की दे दी है यहाँ पे। अब जब यहाँ पे लिखा है तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किस आर्टिकल के तहत मेंशन थी, आप यहाँ पे लिख सकते थे लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं की गई जिस तरह बाद में मेंशन की गई है। इसको मैंने ए इसलिए कहा है क्योंकि बाद में उन्होंने रेफरेंसिंग दी है, ठीक है, विच आई लाइक इट। नाउ यू सी के हाउ ही इज और शी इज यूजिंग मार्कर्स प्रोमिनेंट करने के लिए, तो ये आप उसको एग्जामिनर को फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रेंथेंस 18th अमेंडमेंट इज सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आप यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक आ गई। अब ये मेरे लिए तो बड़ी परेशान कुन है, मतलब मैं ये टॉलरेट नहीं कर सकता ये चीजें, ठीक है, तो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। नाउ व्हाट डू यू थिंक, वो इंग्लिश में पेपर चेक करेगा तो बेसिक रिक्वायरमेंट उसकी होगी कि आपकी इंग्लिश ठीक है। तो इस तरह की मिस्टेक्स ग्रामेटिकल इवन इन योर अदर सब्जेक्ट इसको अवॉइड करें, ठीक है। अब ये सुप्रीमेसी का स्पेलिंग गलत है, तो ये चीजें मुझे इस वजह से ये प्लस इसको नहीं मिला, ठीक है। अब इसके अलावा एक और अगर टेस्ट हम डिस्कस कर लें यहाँ पे, अब ये अच्छा टेस्ट था। अब इसमें देखें यहाँ पे मार्कर्स हैं, लाइक योर हेडिंग इज क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम योर अदर चीजें। अब इंट्रोडक्शन 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रीडिजाइन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, सो आई लाइक दीज थिंग्स कि आप की जो हेडिंग है वो आपकी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, ठीक है, मतलब वो एक उसके ऊपर एक एक जो है वो वजन तो, मतलब मजा है पढ़ने का, कोई चीज है जिस तरह को मैं बताता हूँ कि अगर आप आर्टिकल्स रीड करते हैं, आप डॉन न्यूज़पेपर रीड करते हैं, उसके आपने जब आर्टिकल रीड किए हैं तो उसमें क्या देखा है आपने, आपने उनके कॉलम्स में आपने जब उनकी हेडिंग्स देखते हैं तो आपको क्या नजर आता है, हेडिंग एक इटसेल्फ कैची होती है, ठीक है, आप फिर उस हेडिंग को देख के आगे पढ़ते हैं ना। हेडिंग में ये तो नहीं होगा 18th अमेंडमेंट, मतलब कई दफा वन और टू वर्ड की भी होती है, लेकिन जब कॉलम्स में कुछ अच्छी हेडिंग आती है तो
वो थोड़ा सा सेल्फ एक्सप्लेन कर रही होती है। तो ऑलवेज ट्राई टू मेक योर हेडिंग्स रेलिवेंट, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, एंड यूज की वर्ड फ्रॉम योर क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर की वर्ड यूज करें। अब यहाँ पे इन्होंने जो इम्पैक्ट लिखे हैं, 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अ हार्बिंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, एंड नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस मीन, बट दे हैव यूज्ड समथिंग, लेकिन देयर इज सेल्फ एक्सप्लेनेशन। बट इस तरह भी कोई वर्ड ऐसा ना यूज करें कि वो एग्जामिनर को गूगल करना पड़ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा था कि मेंशन सम ग्रीवेंसेस एंड पावर शेयरिंग फॉर्मूला प्री 18th अमेंडमेंट, वो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था। बट आफ्टर दैट इफ यू सी के सारी डिटेल्स हमने मेंशन यहाँ पे कर दी हैं, तो एक अच्छा पेपर है, अच्छी अटेम्प्ट की गई है प्रेजेंटेशन के लिहाज से। तो पाकिस्तान अफेयर के तो पेपर बहुत आसान दिए थे मैंने क्वेश्चंस आप सबको। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि मेजर इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब ये वाला जो क्वेश्चन था ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया था मैंने। अब इसमें कई स्टूडेंट्स ने ये मेंशन किया है कि जी जुल्फकार अली भुट्टो, जो मैंने एक स्लाइड डाली थी कि वैसे ही आपको बताने के लिए कि था कौन, आपने वो भी इसमें डाल दिया कि जी वो पाकिस्तान पीपल पार्टी का था, रोटी कपड़ा मकान ये नारे आपने लिखे हुए हैं। तो हम एक एज ब्यूरोक्रेट, हम एक स्टेट एजेंट के तौर पे देख रहे हैं, वी जस्ट नीड टू नो कि ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड ही इनकॉर्पोरेटेड दीज काइंड ऑफ रिफॉर्म्स इन द कंट्री, एंड इसका ये इम्पैक्ट आया। व्हाई वी आर मेंशनिंग हिज बैकग्राउंड, हिज पॉलिटिकल पार्टी, हिज स्लोगन, ठीक है, वी आर वेस्टिंग टाइम एंड वी आर वेस्टिंग आवर स्पेस। तो यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया कि ये पॉलिटिकल स्लोगन्स को मेंशन ना करें। अब ये कोटेशन पहले आ जाती तो बेहतर होता, पहले कोटेशन नहीं आई, उससे स्टार्ट नहीं किया गया, एंड पे हमने कोटेशन डाली है, तो आप अगर इसको पहले डालते तो ज्यादा बेहतर होता। सही है, समझ आ रही है सबको? इसी तरह आगे जाएंगे, अब नेशनलाइजेशन, लैंड रिफॉर्म सब उन्होंने की। तो अब कुछ स्टूडेंट्स ने नेशनलाइजेशन तो लिखी उसमें, लेकिन इंडस्ट्रीज का नाम लिखना भूल गए। तो आप लिखें कितनी इंडस्ट्रीज थी, एक्ट आया कब आया, 1974 में आया, फिर 6 में आया, फिर 8 में आया, अगर इस तरह का है। 1974 6 में था, दो था, पहले की गई बाद में की गई, तो उसमें किस मंडला वार हुई, पहले कौन से हुए, तो ये बताना चाहिए था ना आपको। थोड़ा हिस्टोरिकल में क्वेश्चन था तो आप ये लिखें, यहाँ पे आ सकती थी, तो वो आपने नहीं लिखी। तो जैसे यहाँ पे मेंशन की गई है ये वाली इंडस्ट्रीज थी, लेकिन काफी स्टूडेंट्स ने उसको इग्नोर किया, उसको मेंशन नहीं किया। अब अच्छा, एक ओवरऑल इसको अटेम्प्ट किया गया, लेकिन शुरू में कुछ मिस्टेक्स थी, तो ये एक अच्छे अटेम्प्ट है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर कोई रह गई है तो हमने मोस्टली डिस्कस कर ली है। हाँ, अब ये भी था एक कि ये मैंने आई थिंक आपको बता दिया है। तो ओवरऑल आपकी ये मिस्टेक्स थी आपके क्वेश्चंस में। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और उसमें मैं देखता हूं कि क्वेश्चन कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन था या नहीं था। आई एम ओपनिंग क्वेश्चंस, वेट। अच्छा जी, टेस्ट में जो और क्वेश्चंस थे, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, ज्योग्राफिकल लोकेशन, रोल, अच्छा ये कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 1937 का किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, मतलब के प्री पार्टीशन को तो आपने भूल भूल गए हैं ना सब। वो मैंने आपको स्लाइड्स दी हुई हैं, अब चलो एटलीस्ट स्लाइड्स तो कुछ तो तैयार कर लेना, मेन टॉपिक्स आप। अगर लेट से नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आ जाता है प्री पार्टीशन का, तो बहुत ही उसमें जो इजी मार्क्स आते हैं, अच्छे नंबर आ जाते हैं उसमें, तो वो आप लाजमी अटेम्प्ट करें। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इट्स अप टू यू, बट प्री पार्टीशन को एटलीस्ट इग्नोर ना करें, कुछ उसको याद करें। ठीक है, एंड व्हाट वर सम 18th अमेंडमेंट, और ये तो ये क्वेश्चंस थे, सारे आसान थे। अब इसमें मैं अगेन आ जाता हूँ कि अब हमने जब नेक्स्ट पेपर आपने करना है, तो आपने कौन सी चीजों को इग्नोर नहीं करना और किन चीजों पे आपने फोकस रखना है, वन बाय वन अगर हम उनको मेंशन करें। तो सबसे पहला है आपका इंट्रोडक्शन अच्छा हो, प्लीज डोंट यूज एनोटेशन। आपका जो इंट्रोडक्शन है वो अच्छा हो, मतलब जो पहला पैराग्राफ है, ठीक है, हेडिंग दें ना दें इट्स अप टू यू, आई डोंट रिकमेंड कि आप दें। आप स्टार्ट करें कि ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम अ कोट, आप कोट से स्टार्ट करें और एक रेलिवेंट और सूटेबल कोट हो। ठीक है,
एक उससे क्वेश्चन से मिलती जुलती। अब मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। ओके, नाउ आई थिंक यू कैन सी द स्क्रीन। पहली चीज आपकी ये इंट्रोडक्शन, जब दूसरी चीज है आपकी कि आपकी जो हेडिंग्स हैं, जो आपकी हेडिंग्स हैं वो क्या होनी चाहिए? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, कि किस तरह होनी चाहिए। तीसरी चीज आपकी क्या है कि आपकी नंबर या आप दे रहे हैं कि गिव नंबरिंग टू योर हेडिंग्स, ठीक है, अपनी हेडिंग्स को नंबरिंग दें। हम मोस्टली कहते हैं एग्जामिनर को धोखा देने के लिए, उससे क्या पता कितनी है, हम स्किप कर देते हैं। लेकिन हेडिंग क्या होती है कि पहले आप हेडिंग दे दें A1, जैसे पहला अगर इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, उसके नीचे अगर दूसरा आ गया, उसके नीचे कोई सब हेडिंग लिखनी है आपने, तो थोड़ा सा इंडेंट छोड़ के दें, ठीक है। अगर वन हेडिंग आपकी यहाँ पे आ रही है कि दिस इज योर मेन हेडिंग, ठीक है, तो आपकी जो सब हेडिंग है, जो नेक्स्ट है, हमने मार्कर तो डिफरेंट यूज कर सकते हैं। आप लेट से आपने इस मार्कर से दिया, दूसरी हेडिंग में ये देता हूँ, ये सब हेडिंग है, ठीक है, ये मेरी सब हेडिंग आ गई है। आपके पास एग्जाम में टाइम हो तो इसको डबल लाइन कर दें, अगर नहीं है तो ना दें, मतलब इस तरह लिखें कि सेपरेट हो। फिर सब हेडिंग आ गई, इसको आप ए कह दें, ठीक है। अगर इसके नीचे कोई पॉइंट आ गए हैं तो 1, 2, 3 इसके दूसरे पॉइंट आ गए, तो इस तरह आप उसको नंबरिंग दे दें। या आप इसको 2.1 भी दे सकते हैं, लेकिन वो अच्छा है, मजे का नहीं लगता। फिर तीसरी आ गई, फिर फोर्थ आ गई, तो हर चीज को आप नंबर करें, बेहतर होता है एग्जामिनर को लिंक डेवलप करने के, भाई ये अब सब सब हेडिंग हम किस हेडिंग की बात करें, वो हेडिंग किस तरह क्वेश्चन के साथ लिंक करती है। तो ये वो चीजें हैं, मैं हैंड गेस्चर यूज कर रहा हूँ इस वक्त पे, लेकिन आप देख नहीं सकते तो ये अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि मैं एक वीडियो लेक्चर इस पे दूं। तो ये आपकी तीसरी चीज है। फोर्थ आपकी जो है वो पॉइंट ये है कि जो आपके मैप्स हैं वो बेहतर हो, ठीक है, आप फैक्ट्स एंड फिगर ऐड करें, ठीक है, और उसके रेफरेंसेस दें। रेफरेंसेस कौन से हैं, उसका सोर्स मेंशन करें कि वो किस सोर्स से लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा टेबल्स ऐड करें, ठीक है, चीजों को पॉइंट में डालने के लिए। और इसके अलावा सिर्फ फोकस ना करें कि पैराग्राफिंग हो, ऐड यूज लेंथ ऑफ पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स, मतलब क्या है आपका कि इसमें आप यूज करें पैराग्राफ भी यूज करें, ठीक है, और इसमें पॉइंटर्स भी यूज करें, ठीक है, यानी पॉइंट फॉर्म में आप दे दें, और इसमें कोट्स भी यूज करें। सब चीजें आपकी यूज होनी चाहिए, और एट द एंड एंड पे आप जो है वो, अच्छा एक और चीज आपने करनी है कि अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आर लीथल, और अगर कोई एग्जामिनर मेरी तरह हो तो मैं तो एक परसेप्शन पहले ही क्रिएट कर लेता हूँ कि मैंने तो इसको, अगर ये ऐसे में भी किसी तरह फेल हो गया तो मैं इसको यहाँ से फेल पास हो गया, ऐसे में तो मैं इधर से फेल कर दूंगा। व्हाई यू आर डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स विद यू, ठीक है। कोई एग्जामिनर होता है उसको US हिस्ट्री में आपकी वो चेक करने, हिस्ट्री से ज्यादा वो आपके ग्रामेटिकल सेंटेंस देखने लग जाए, फिर क्या करेंगे आप? आपका उधर वो नहीं आते 33 मार्क्स, आप तो गए, आपका चाहे ऐसे भी पास है। तो हर चीज में आपने एक जैसा आपने अपनी चीजों को देखना है। और 7th नंबर पे काफी चीजें, अगर कुछ मैंने आपको पेपर के दौरान भी बता दी है, पेपर के साथ साथ आपका क्रिटिकल एनालिसिस वो बेहतर होना चाहिए, ठीक है, मतलब के एंड वाली हेडिंग को क्रिटिकल एनालिसिस पे दें, कंक्लूजन ना दें। तो ये वो चीजें हैं जो आपने ऐड करनी है। अब अगर किसी के नेक्स्ट पेपर में मैप अच्छा ना हो तो मैंने इतना बड़ा क्रॉस लगाना है पूरे पेपर पे, अगर किसी का मैप अच्छा नहीं है। पाकिस्तान का तो मैप आप लोगों को याद करें, और मैप सिग्निफाई भी कुछ करे, खाली पाकिस्तान का मैप बना के ना आ गया हो कोई, वो कुछ एक्सप्लेन भी करे। तो मैंने नेक्स्ट पेपर बहुत बुरी तरीके से चेक करना है, मैंने भरे भरे कांटे लगाने हैं, ये सोच लें आप सब कि इस तरह जो है ना मैं टॉलरेट नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने फिर बाज नहीं आना। आपके ऊपर ये लाजमी है कि आप पहले लेक्चर के बाद जब मैंने आपको मैप का कहा था तो आपको अभी तक प्रैक्टिस हो जानी चाहिए थी, आपने क्यों नहीं की? इट इज योर फॉल्ट, ठीक है।
ये फॉल्ट दोबारा रिपीट नहीं करनी है, मिस्टेक्स अपनी है। अच्छा जी, आगे अब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं लूंगा। मैंने करंट अफेयर्स वालों को भी क्वेश्चन नहीं लिए थे, मैं उनको भी इनवाइट कर लेता हूँ, तो आपके जो ओवरऑल क्वेश्चंस हैं वो आप मेरे से हैंड रेज कर लें, तो मैं आपके आंसर देता रहता हूँ और उनको भी मैं इनवाइट कर लेता हूँ। चलें जी, आप क्वेश्चन रेज कर लें जी। क्रिटिकल एनालिसिस इज योर परसेप्शन, व्हाट एवर यू हैव एनालाइज फ्रॉम द क्वेश्चन, और वो ही हमने लिखा होता है ना, जो हेडिंग्स लिखी होती है वो हमने अपने ओन पे लिखी होती है, उसी को आप सम अप करके, जिस तरह हम कंक्लूजन लिखते हैं, कंक्लूजन की हेडिंग को रिमूव कर दें, क्रिटिकल एनालिसिस लिखते हैं, तो डेट्स ऑल, कि कंक्लूजन भी हमारा वही होता है। ठीक है, ये कोई थीसिस नहीं है कि आपका कंक्लूजन सेपरेट होगा और जो आपका क्रिटिकल एनालिसिस है वो सेपरेट होगा, ये रिसर्च पेपर नहीं है। इट इज सिंपल वन पे क्वेश्चन और उसको उसकी तरह लिख दें, क्रिटिकल एनालिसिस और डेट्स ऑल। अच्छा, अब आपके क्वेश्चन जिसके हैं वो हैंड रेस करें काइंडली। अच्छा जी, फर्स्ट इज सुमेरा। यस सुमेरा, व्हाट इज योर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा वालेकुम। क्वेश्चन है कि हम इंट्रोडक्शन को किसी नेगेटिव कोट से स्टार्ट कर सकते हैं, तो भी वेरी स्पेसिफिक एक क्वेश्चन आया था, सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान वाज नॉट अ निगेशन ऑफ टू नेशन थ्योरी। तो अगर मैं इसको इंदिरा गांधी के उस कोट से स्टार्ट करूं कि वी हैव नहीं टोल्ड नहीं दैट नहीं इस तरह नहीं करना उसको अगेन। इसमें ना आइडियलिस्टिक अप्रोच भी लें थोड़ी सी, ये आपकी स्टेट सेंटर अप्रोच हो, वो बाकी जगह कर सकते हैं लेकिन सीएसएस में नहीं करनी है मिस्टेक। ठीक है, या जैसे पाकिस्तान और यूएस के रिलेशनशिप पे अगर आता है तो उनके किसी सेनेटर का कोई नेगेटिव कोट इस टाइप नहीं की नहीं चीज हम नहीं। वो अवॉइड करें आप, क्योंकि हमने सीरियसली स्पीकिंग ये जब आपके पेपर जहां पे भी चेक होते हैं वो ये भी चीज नोट कर रहे होते हैं, वो उनको उस तरह का उनके जो टो द लाइन करे ना वो चीजें चाहिए होती हैं उनको। बाद में यू आर फ्री टू हैव योर ओन ओपिनियन डिस्कशन में, बट इन चीजों पे यहाँ पे हम अवॉइड करते हैं, मैं तो अवॉइड करने की मशवरा ही देता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। जी, बाकी पेपर में भी कंक्लूजन की जगह क्रिटिकल एनालिसिस लिखते हैं आप, मैं तो यही करता था, ऐसे में होता है कंक्लूजन बस। अच्छा, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है हैंड रेज कर दें काइंडली। करंट अफेयर्स वालों का भी कोई क्वेश्चन है तो वो भी हैंड रेज कर दें। जी फातिमा, व्हाट इज योर क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान अफेयर्स, बिकॉज इट इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स करंट अफेयर्स, तो कैन वी गिव हिस्टोरिकल बैकग्राउंड? फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसे प्रूव कर सकते हैं? एक मिनट रुकिएगा, ये किसकी तरफ से है? अच्छा, इसमें मैं आपको एक ने क्वेश्चन पूछा कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग, सॉरी एक्सप्लेन कर दें, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पे किसी ने लिखी हुई थी, अब ये देखे ना कि एक मिनट मुझे निकालने दें किसने लिखी थी ये। अब ये देखे ना, यहाँ पे आपको जो नजर आ रही है इस पे, पाकिस्तान ट्रांजिट रूट टू चाइना सीयर्स अफगानिस्तान, पाकिस्तान अ लैंड ऑफ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, सीपैक का गेम चेंजर,
सिंगल मुस्लिम कंट्री सोर्सेस न्यूक्लियर पावर, सिंगल मुस्लिम कंट्री पोजेसेस न्यूक्लियर पावर, इंटरेस्ट ऑफ वर्ल्ड पावर्स अ मेजर सिग्निफिकेंस। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, थोड़ा सा फ्रेजल में आ जाता है टच करके, तो एक अच्छी लगती हैं, अट्रैक्टिव सी हेडिंग हो जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे किसी ने लिखी हुई थी, मैं आई एम नॉट श्योर कि वो किसका था पेपर, आई थिंक ये पेपर था। तो मैंने शेयर कर दी थी, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, आपको नजर आ जाएंगी किसका भी जो भी क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे अगर इसको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग बनाना है तो एस एन एफ सी वर्ड है। अब क्वेश्चन टॉपिक क्या है कि इम्पैक्ट इंटर प्रोविंशियल एंड सेंट्रल प्रोविंस रिलेशन, के उसने इसको इम्प्रूव किया। तो एन एफ सी वर्ड आप इसको कोने डाल के लिख दें कि हार बिंगर ऑफ फाइनेंशियल अटोनमी। ठीक है, तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग हो गई। तो ये मेरा मतलब था एक्सप्लेन करने का। कंक्लूजन एंड क्रिटिकल एनालिसिस का मैं बता रहा हूँ कि हम कंक्लूजन की हेडिंग ना दें, आप लोग सिर्फ क्रिटिकल एनालिसिस की हेडिंग दे दें। इतना हमारे पास टाइम नहीं होगा कि हम दोनों को लिखें, ठीक है, और ना ही आपके पास स्पेस होगी। आप सिंपल क्रिटिकल एनालिसिस लिख दें और वही लिखें जो आप कंक्लूजन में लिखते हैं। अच्छा, किसी ने कहा कि उसको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में थोड़ा सा मसला है कि समझ नहीं आती कि इस प्रॉब्लम को किस तरह अंडरस्टैंड करें। तो उसका एक सिंपल सोल्यूशन हमारे पास है, वो ये है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आप उसकी साइड पे एक रफ आउटलाइन बना लें अपने माइंड में, माइंड में तो बनाने की जरूरत नहीं है, रफ वर्क पे लिखें और 5-6 मिनट उस पर ब्रेनस्टॉर्म करें और उस पर आउटलाइन बनाएं। अगर आपको फिर भी मसला आ रहा है तो आप ऐसे का मैं कहता हूँ उसको प्रैक्टिस करें कि जिस तरह ऐसे की आउटलाइन लिखते हैं ना, उसी तरह आप क्वेश्चन की आउटलाइन लिखें रफ में और उसकी ठीक है, समझ आ गई चीजें। कि अगर किसी को इश्यू है, मैं खुद अपने साथ ये करता था कि हम क्या करते थे, कोई भी रैंडम टॉपिक आप निकालें पास पेपर का, ऐसे का जो मैं करता था, उसको 10 मिनट्स में मैं आउटलाइन लिखता था। तो इससे मुझे बाकी पेपर्स में भी काफी कन्वीनियंस मिली और उससे एक हेल्प मिली। तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आपका इश्यू है आउटलाइन बनाने में या क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में, तो ये आपका उसमें काफी हद तक आपको हेल्प करेगा। ठीक है जी, अक्सा आपका क्या क्वेश्चन है? सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर, कि जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो सपोर्टिंग आर्गुमेंट दिया होता है, सपोर्टिंग स्टेटमेंट दी होती है क्वेश्चन में, और उसके बाद आपका मेन टारगेट पोर्शन पूछा जाता है, तो हमने वो जो सपोर्टिंग स्टेटमेंट है उसको कितना लाइक हम एक्सपेंड करें, कितना एक्सप्लेन करें, और फिर हम नेक्स्ट जो टारगेट पोर्शन है उस पर जाएँ। हाँ, उसको देखे ना, उसमें अगर पूछा हुआ है जिस तरह ये 18th अमेंडमेंट का था ना कि इट एड्रेस्ड हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस, तो पहले थोड़ा सा टेबल में बता दें कि जी हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस नहीं, और आगे मेन टॉपिक पे चले जाएं, दैट्स ऑल। ठीक है, ओके, फाइन। अच्छा, किसी ने कहा है कि स्लाइड्स रिप्रोड्यूस की हैं। अब मैंने किसी के कमेंट्स लिखे हैं, स्लाइड्स रिप्रोड्यूस का मतलब है कि आपकी हेडिंग उस क्वेश्चन से रेलेवेंट नहीं आ रही, यानी जो आपकी मेन हेडिंग्स आपने दी है ना, उसके अंदर क्वेश्चन के कीवर्ड नहीं लिखे हुए। तो बार बार क्वेश्चन के कीवर्ड्स को यूज करें अपने हेडिंग के अंदर। मैं मॉडल आंसर्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, बल्कि कर दिए हुए हैं, उनको देखें ना, जिनको मैंने ए प्लस दिए हैं वो क्यों ए प्लस दिए हैं, कुछ तो अच्छा होगा उनमें मिस्टेक्स के अलावा। तो वो अच्छी चीजें नोट करें, और इट इज योर टास्क कि आप अपना पेपर सामने रखें, अच्छे पेपर्स को कंपेयर करें और अपने पॉइंट्स मिस्टेक करके अपने ऊपर लिखें हाथ से कि जी ये मेरी मिस्टेक्स हैं, नेक्स्ट टाइम मैंने इनको अवॉइड करना है, ताकि फिर आप उसको अवॉइड करेंगे जब तक आप खुद अपने आप को अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे। अच्छा जी, लास्ट आई थिंक क्वेश्चन इज फ्रॉम राशिदा। जी राशिदा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मुझे पूछना था कि मेरी हेडिंग्स जो है ना, मुझे लगता है कि वो कैची नहीं है और इतनी मैं रेलिवेंट हेडिंग्स, वो जो क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन वो इतनी मुझे इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव नहीं लग रही होती, तो वो हर ही सब्जेक्ट में मेरा, मुझे ये आपका इशू। ठीक था आपका राशिदा, आई थिंक आपका पेपर मैंने करंट अफेयर का था ना आपका पेपर, सर यू आर राशिदा मजहर। हाँ, आपका मेरे सामने ही है तो ठीक है आपका, मतलब जो आप लिख रही हैं इट्स फाइन, आपके पास डाटा प्रेजेंटेशन अच्छी है,
तो आप बेसिकली अपने ऐसे पे काम करें ना, ऐसे की जो फ्रेजेस बनाते हैं आउटलाइन में, तो वो जैसे जैसे ओके बेहतर होती जाएंगी उसी तरह आपके बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी ये हेडिंग्स इंप्रूव होती रहेंगी। तो आप सारे हेडिंग्स को अपने कंपेयर किया करें अपने आउटलाइन से ऐसे के, क्योंकि वो तो हर एक ने करना है। जिसके ऐसे की आउटलाइन की फ्रेजेस इंप्रूव होती जाएंगी इसी तरह आपके बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेडिंग्स इंप्रूव होती जाएंगी। तो इट्स नॉट ओके अ हार्ड मतलब डिफिकल्ट थिंग। तो आई थिंक दैट्स ऑल, अभी और किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इसी तरह अभी हमने चीजों को इनको फॉलो करना है, और कल मैं आपको टेस्ट जो है वो गूगल क्लासरूम पे आपको मिल जाएगा, अपलोड हो जाएगा, और आपने मंडे तक क्लास से पहले उसको अटेम्प्ट करना होगा। और दैट्स ऑल जी। मेंशन रेलिवेंट आर्टिकल्स का मतलब है कि 18th अमेंडमेंट में आर्टिकल अमेंड हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो तो लिखें कौन से आर्टिकल्स थे। मैंने हर किसी की मिस्टेक इंडिविजुअली एड्रेस नहीं की, मैंने कहा आपकी कॉमन मिस्टेक्स एड्रेस की हैं, और आपके क्वेश्चंस के ऊपर कमेंट्स लिखे हुए हैं, आप उनको देखें, ये रिकॉर्डिंग सुने, और फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता फिर पूछें। अगर मैंने चीजें जो इस लेक्चर में बता दी हैं और आपने ये लेक्चर सुने बगैर मेरे से पूछेंगे कि मेरे मिस्टेक्स क्या थी, पर आपने लेक्चर नहीं सुना, तो मैं आपको रिप्लाई नहीं करूंगा। आप एटलीस्ट देखें कि मैंने आपको कॉमन मिस्टेक्स क्या डिस्कस की हैं सबकी, एक एनालाइज करके मैंने बताया है, अपने फिर पेपर को देखें, जो कमेंट्स लिखे हैं वो देखें, और फिर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही फिर पूछें, तब फायदा होगा। अपनी कन्वीनियंस के लिए इट्स नॉट लाइक स्पून फीडिंग, आई कैन नॉट स्पून फीड यू फॉर ऑल द टाइम, यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर सेल्फ, इट इज योर लर्निंग, आई एम नॉट गोइंग टू गिव योर सीएसएस एग्जाम्स, ठीक है। तो इस लेक्चर को गौर से देखें सारे, और फिर अपनी मिस्टेक्स को निकालें, पहले थोड़ा होमवर्क करें और फिर मेरे से पूछें, फायदा तभी होगा, नहीं तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, मेरा कुछ लॉस नहीं है इसके अंदर। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।